कक्षा 8 विषय हिंदी में सतीश पंडित एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष इस वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला में आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं जिस काव्य को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसका नाम है मत बांटो इंसान को। मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई यह महत्वपूर्ण कविता है जिसके कवि रहे हैं विनय महाजन। विद्यार्थियों, विनय महाजन इस कविता के द्वारा लोगों को कहना चाहते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आज जहां देखो वहां बंटवारा हो रहा है, बंटवारा होता हुआ दिखाई दे रहा है, झगड़े कलह ये सब चीज़ें अच्छी नहीं। प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है, स्नेह सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए वह मनुष्य को कह रहे हैं कि आपने अर्थात मनुष्य ने आज तक हर एक वस्तु को बंटवारे की दृष्टि से देखा है और दुनिया में शायद कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका उन्होंने बंटवारा न कर दिया हो। तो आइए मैं प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ महत्वपूर्ण कविता मत बांटो इंसान को। सबसे पहले मैं काव्य आपके समक्ष पढ़कर प्रस्तुत करूँगा। मंदिर मस्जिद गिरिजा घर ने बांट दिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरिजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट दिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरिजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो सब सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। मन क्या कह रहा है कि मंदिर मस्जिद गिरिजाघर ने बांट लिया भगवान को। हमने अपने भगवान को, अपने प्रभु परमेश्वर, अपने खुदा को भी बांट लिया है। हमने अपने जो भगवान हैं उनके लिए धार्मिक स्थल जो बनाए हैं वहाँ सिर्फ हम संप्रदाय विशेष के लोग ही जाया करते हैं। जैसे कि हिंदुओं ने मंदिर बनाए हैं,
और वहाँ हिंदू ही जाते हैं दर्शन करने के लिए। मुसलमानों ने मस्जिद बनाई है और वहाँ मुसलमान ही दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं और ईसाई लोग चर्च में जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे खुदा है, ये हमारे भगवान है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, भगवान तो एक ही है, लेकिन हमने उनका बंटवारा कर दिया है। बहुत दुख की बात है विद्यार्थियों, यह स्थिति है। हमने भगवान को भी अलग अलग सरनेम में डाल दिया है। भगवान न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख ईसाई पारसी, न जैन होता है। वह तो भगवान ही होते हैं, वह तो खुदा होते हैं, वह तो ईश्वर होते हैं, अपने सबके मालिक होते हैं। लेकिन हमने माना उनकी भी सरनेम स्थापित कर दी है। जैसे कि हर एक धर्म में अलग अलग जातियाँ होती है, वैसे भगवान की कोई सरनेम नहीं होती। भगवान तो अपने स्थानक में एक ही है, लेकिन हम अलग अलग नाम से उन्हें बुलाते हैं। बांट दिया है, बंटवारा कर दिया है। भगवान का बंटवारा करना सही बात नहीं थी, लेकिन हमने वह कार्य कर दिया। अब यहाँ विनय महाराज जी कहते हैं कि ये तुमने कर ही दिया, भगवान का तो तुमने बंटवारा कर दिया है। इंसानों, तुमने भगवान का बंटवारा तो कर ही दिया मंदिर मस्जिद गिरिजाघर के रूप में, लेकिन कम से कम इंसानों को तो मत बांटो, इंसानों को तो अलग अलग नज़र से मत देखो। समानता की भावना एक दूसरों के साथ विकसित करो। यहाँ पे मनुष्यों का बंटवारा कदापि न करो, यह बात मत बांटो इंसान के द्वारा, कवि कहना चाहते हैं। इस काव्य में लोगों को मिलजुल कर रहने की बात बताई गई है, अर्थात प्रेम पूर्वक रहो, स्नेह पूर्वक रहो। यहाँ आगे की काव्य पंक्तियाँ मैं प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंधी, हर दीपक मजबूर है। विकास का युग तो अभी अभी आरंभ हुआ है, विकास इतना अधिक नहीं हो गया कि देश और दुनिया में हर एक घर में विकास दिखाई देता हो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी, अभी तो मनुष्य को बहुत कुछ करना है। मंजिल अर्थात ध्येय, उद्देश्य। हमारा मनुष्य का ध्येय जो है वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। आज भी हम देखते हैं, हमारी नज़र जहाँ जाती है वहाँ आप मकान देखिए, कहीं बहुत बड़ा मकान आपको दिखाई देता है, कहीं झोपड़ी दिखाई देती है, यानी समानता दिखाई नहीं देती। अमीर लोगों के मकान बहुत बड़े होते हैं, गरीब लोगों के मकान बहुत ही छोटे, अथवा दरिद्र नारायण के मकान तो मकान के नाम पे मकान कहलाने लायक ही नहीं होते, झोपड़ी होती है। झोपड़ी, झोपड़ी अर्थात कुटिया। आज भी ऐसी स्थिति में वे रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। तो फिर मनुष्य के समानता की भावना कहाँ से आई? समानता जैसा कोई शब्द दिखाई नहीं देता। विकास का युग अभी तो आरंभ ही हुआ है, मंजिल उसका मंजिल जो है, उसकी मंजिल जो है वह बहुत दूर है, हमें बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। उजियारा महलों में बंदी, आज भी हम देखते हैं कि कई गांवों में बिजली नहीं होती, बिजली की सुविधा नहीं है, बिजली अर्थात लाइट, लाइट की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। ऐसे में उनके घरों में रात को बिजली ना हो तो फिर उजाले के लिए दीपक जलाया जाता है। क्या जलाया जाता है? दीपक। इसीलिए कवि कह रहे हैं
कि उजियाला महरों में बंदी हर दीपक मजबूर है, आज भी दीपक मजबूर है जलने के लिए। मंदिर में दीपक जले वो बात तो सही है, लेकिन घर में उजाला करने के लिए यदि दीपक जलाया जाता है और घर में बिजली की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अभी भी विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, विकास होना अभी बाकी है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। उजियारा आज बिजली की चकाचौंध कहाँ दिखाई देती है, बड़े बड़े महलों में आप देखते होंगे। अभी अभी नया वर्ष 2021 आरंभ हुआ, बड़े बड़े भवनों को एकदम बिजली के चकाचौंध से चमकाया गया था, वहाँ बिजली की चकाचौंध दिख रही थी। तो आज भी उजियाला जो है महलों में बंद है, अर्थात धन संपन्न लोगों के घरों में विकास दिखाई देता है। आज भी विकास धन संपन्न लोगों के घरों में दिखाई देता। गरीबों की झोपड़ियों में तो आज भी चिराग जल रहा है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के छाए में धूप लगती है, चलो चले यहाँ से और उम्र भर के लिए। कवि दुष्यंत कुमार की गजल, उनके शेर यहाँ हमें याद आते हैं कि आज़ादी के वक्त हमारे देश के लोगों को कहा गया था कि हर एक घर का विकास होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विकास जो है धन संपन्न लोगों के घरों में कैद होकर के रह गया है। आगे की काव्य पंक्तियों में मत बांटो इंसान में कवि विनय महाजन जी कहते हैं, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी में दान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। क्या कह रहे देखिए, मिला न सूरज का संदेशा। सूरज का संदेशा क्या होता है? सूरज का संदेशा होता है प्रगति का, रोशनी देने का। सूरज सबको समान रूप से रोशनी देता है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे बहुत सारी रोशनी दे दे और किसी और को कम दे। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं सबको एक समान रोशनी मिलती है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं। लेकिन यह संदेशा आज लोगों को नहीं मिला, लोगों ने विकास अपनी मर्जी के हिसाब से किया है। गवर्नमेंट हो या सरकार हो, उसने विकास अपनी मर्जी से किया है। कुछ वर्ग का विकास बहुत अधिक मात्रा में हो गया है, कुछ वर्ग का हुआ नहीं। सूरज का संदेशा भी अपनाया होता तो सबका विकास होता, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास हुआ होता। लेकिन वह संदेश शायद सूरज से भी मनुष्य प्राप्त नहीं कर सका। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, मानो हर घाटी और मैदान को सूरज का सबको एक समान प्रकाश देने का जो संदेश है वह नहीं मिला है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि कुछ इलाकों का बहुत विकास हो गया है और कुछ इलाके विकास के नाम पर अभी प्रथम कदम ही भर रहे हैं, यह भी सही नहीं। हम देखते हैं, कहते हैं कि गुजरात का तो बहुत विकास हुआ है, हम अपने गुजरात राज्य में रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आसपास के कुछ ऐसे प्रांत हैं जिनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है अथवा विकास बहुत कम हुआ है।
सूरज का संदेशा उन्होंने नहीं अपनाया। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इंसानों को नहीं बांटना चाहिए, धरती को भी बांट दिया, सागर को भी बांट दिया। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि इंसान को मत बांटो। इंसान इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, बराबर। इंसान यहाँ न लिखो तो यहाँ अनुस्वार नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। ना लिखो तो यहाँ अनुस्वार करने का, यहाँ अनुस्वार करो तो इधर न नहीं लिखने का। इंसान को मत बांटो, ऐसा यहाँ कवि विनय महाजन जी कहते हैं कि सब कुछ तो बांट लिया है, सूरज का संदेशा भी तुम्हें विकास की तरफ नहीं बढ़ा सका। कुछ विस्तार का विकास हुआ, कुछ विस्तार का नहीं हुआ। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। आज भी हम देखते हैं कि हरियाली चौ तरफ फैली हुई लगती है। ऐसा लगता है कि बारिश के मौसम में धरती ने हरी चादर ओढ़ ली हो। आसमान का रंग बहुत ही सुंदर और निराला दिखाई देता है। लेकिन यह सब कुछ है, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन यदि मनुष्य के भीतर प्यार ना हो, परन प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है। तो पूरी दुनिया रेगिस्तान की तरह, रेगिस्तान अर्थात मरुभूमि, रण प्रदेश। यदि हमारा मन होगा तो पूरी दुनिया हमें अच्छी लगेगी, और मन मरा हुआ है तो पूरी दुनिया आपको कैसी लगेगी, सही नहीं लगेगी ना। यदि आपको बुखार आता है, आपकी तबीयत खराब होती है, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ना, किसी को पीलिया हो जाता है तो पूरी दुनिया उसको पीली दिखती है। तो यहाँ ऐसी बात है कि मन में यदि भावना ना हो तो दूसरों को देने की या दूसरों की बात समझने की कभी इच्छा ही नहीं होती। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि पर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, चट्टान यानी पहाड़ का ऊंचा इलाका। विद्यार्थियों, मानवता में यह सब कुछ आ जाता है कि हमें अभी तो विकास को आगे बढ़ाना है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अब धीरे धीरे काव्य समापन की ओर जा रहा है, अंतिम चरण की ओर जा रहा है। कवि लिख रहे हैं, साथ उठे सप्तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर, रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी। यदि हम उठे, सूर्य उदय हो रहा हो, हम बाहर जाए, हमको सब चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे, तो समझ लेने का कि पूरी मानवीयता, पूरी मानवता खिल उठी हो। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। जिस प्रकार सूरज हरेक व्यक्तियों के द्वार पर पहरा दे करके सुबह उग जाता है, उसी प्रकार हमारे देश और दुनिया में हरेक घरों का विकास हो, और सुबह का जो आनंद का वातावरण होता है, सबको ऐसा वातावरण लगे, तो समझ लेने का कि अब मनुष्य जो है प्रेम पूर्वक रहने लगे हैं, सबका विकास अब होने लगा है। हर उदास आंगन, कोई यदि मुसीबत में हो तो अड़ोसी पड़ोसी कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए दौड़ जाए और उसे कहे कि उदास होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारी तकलीफ हमारी तकलीफ, तो उसकी तकलीफ आधी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऐसे में मानवता के दर्शन देखने को मिल जाएंगे। रौंद न पाएगा फिर कोई, यदि ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ तो फिर मानवता को कोई रौंद नहीं पाएगा, मौसम की मुस्कान को भी कोई रौंद नहीं पाएगा, बरसते बादल की घटाओं में भीगने का आनंद फिर सभी लेंगे, कोई मुरझाए हुए चेहरे नहीं दिखाई देंगे।
सबको स्नेह मिलता रहेगा। तो यहाँ अंत में कवि ने यह भी बताना चाहा कि प्रेम पूर्वक रहो तो उसका फायदा क्या होगा, और यदि बंटवारे की पद्धति ही अपनाओ तो उसका नुकसान क्या होगा। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने मत बांटो इंसान को कविता जो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत की, कविता की समीक्षा प्रस्तुत की। आने वाले दूसरे वीडियो में मैं आपके समक्ष काव्य का स्वाध्याय लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री हरि।